हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए, सदा ये देता है सजदा, हुसैन जीत गए। सारे तो मारे गए, फिर फतह कैसी थी? जनाबे वाला, फतह मारे जाने वालों की तादाद के पाबंद नहीं होती है। फतह मकसद की तकमील का नाम है। जो मिशन लेके निकला हो इंसान, उसके हुसूल का नाम है। अब इस वक्त हुसैन का मिशन क्या था और कैसे हासिल हुआ, ये सारी बातें गोश गुजार की जा चुकी हैं। अब सिर्फ ये देखिए कि ये फतह कैसी फतह थी। दो तीन अलामतें अर्ज किए देता हूं। फाते दुनिया में अपने इस कारनामे को, ये कारनामा है ना, फख्र की बात है, वो फख्रिया बयान करता है, नशर करता है, मैंने ये मैदान मारा, मैंने ये काम किया, फलां को शिकस्त दी, यही कहता है ना। बयान करना, ऐलान करना, ये फाते की निशानी है। और जो शिकस्त खाता है वो चाहता है ये जिक्र ना हो, पर्दा डाल दिया जाए। अब मुझे फैसला करने की ज़रूरत नहीं, खुद देख लीजिए कि दुनिया में कौन इस वाक़े को छुपाना चाह रहा है और कौन इस वाक़े को फख्र से बयान करना चाह रहा है। नारे हैदरी। अच्छा, फतह कामयाबी की एक और बहुत बड़ी पहचान है। ये कामयाबी जहाँ होती है, वहाँ जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो कामयाबी में, वो भी कोशिश करते हैं किसी सूरत से हमारा भी नाम आ जाए, हम भी शामिल हो जाएं। और उसके बरक्स जहाँ शिकस्त होती, तेज़ी से गुजर रहा हूँ, मिसालें और तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, जहाँ शिकस्त होती है वहाँ कैफियत ये होती है कि कोशिश की जाती है कि जिम्मेदारी किसी और पर डाली जाए। ये मैंने तो नहीं किया, ये फलां की वजह से हुआ। जहाँ तर्ज इस्तेदलाल ये हो कि ये काम मैंने नहीं किया, ये फलां ने किया था, या फलां चीज़ मुझे वक्त के ऊपर नहीं मिल सकी उसकी वजह से ऐसा वाकया हो गया, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये शिकस्त की कहानी है। जहाँ जिम्मेदारी दूसरे पे मुंतकिल की जाए, लाजमन वो शिकस्त का तस्करा है। और जहाँ किसी वाक़े को चाहे हिस्सा ना हो, तब भी ख्वाहिश होगी ये मेरे हिस्से में आ जाए, तो ये फतह की दास्तान है। अब तारीख उठा के देख लीजिए कि एक तरफ सूरत हाल ये है कि यजीद कह रहा है खुदा बुरा करे इब्ने मरजाना का कि उसने इमाम हुसैन के साथ ये सलूक किया, मैं होता तो ऐसा ना करता। और फिर इब्ने ज़ियाद ने उस वक्त कहा था कि अच्छा, अब आज अपने आप को पाकबाज बना रहा है, अगर ये ना कहता तो मुझे क्या ज़रूरत थी, मेरा हुसैन से क्या झगड़ा था कि मैं उनके साथ जंग करता। यानी यजीद जिम्मेदारी इब्ने ज़ियाद पर डाल रहा है, इब्ने ज़ियाद जिम्मेदारी यजीद पर डाल रहा है। और जो करबला में नहीं शरीक हो सकते थे, आज भी बहुत से लोग इस बात पे फख्र करते हैं कि हमारे अजदाद करबला में हुसैन के गुलामों में शामिल थे। बहुत से लोगों ने इस नौयत के दावे किए हैं कि हम करबला में हम नहीं थे, हमारे बुजुर्ग थे। बुजुर्ग कैसे थे? हम कोई गुलाम जिसका नाम भी हमें नहीं मालूम, वो कहते हैं ये बलोची कौम हमारे यहाँ एक पाई जाती है, वो उन्होंने, उनके सरदार दूदा खान ने एक मकाला लिखा, कोई 52 पेजेस का एक लंबा चौड़ा मकाला था, वो साउथ एशिया फाउंडेशन के नाम से बरतानिया में एक अदारा कायम किया गया था, तो वहाँ उन्होंने अपना मकाला पब्लिकेशन के लिए भेजा था। वहाँ देखने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो हम बलोची कौम हैं, दरहकीकत इमाम हुसैन सलाम के साथियों में से किसी का एक गुलाम था जिसका नाम बलोच था। अरबी में चूंकि चे की आवाज़ नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उसको बलोच कहा जाता था, असल में उसका नाम बलोच था, हम उस बलोच की औलाद हैं। वाकया अपनी जगह तारीखी हो, हकीकत हो या ना हो, ये तो पता चल गया कि हुसैन से रब्त ना हो, हुसैन के अंसार से रब्त ना हो, हुसैन के गुलामों से भी कोई रब्त हो जाए तो दुनिया कहती है हम उनमें शामिल हैं। तो अब अगर कोई चाहता है कि वसाइल के बगैर कामयाबी हासिल करे, तो उसके लिए हुसैन से बढ़कर दुनिया में कोई और मिसाल है ही नहीं। ये काम है माहरीन जंग का कि वो हुसैन की स्ट्रेटजी को अपने सामने रखें और फिर सोचें कि बेसर व सामानी में कैसे कामयाबी हासिल की जाती है।
وہ تمام عوامل جو شکست کے عوامل ہوتے ہیں ان کو فتح کے عامل میں کیسے بدلا جاتا ہے. کٹی ہوئی گردنیں فتح کی علامت بن جائیں, قید و بند فتح کی ذریعہ بن جائے, بازاروں میں پھرایا جانا فتح کی بنیاد بن جائے. یہی ذرائع تھے نا حسین کے. ان ذرائع سے کامیابی حاصل کرنے نے دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ عمل فراہم کر دیا کہ اب جسے کامرانی چاہیے وہ حسین سے سیکھے کامرانی کیسے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ مورخ موجود ہے کہ مجبور ہے کہ کربلا کا ذکر کرے. تاریخ طبری بڑی احتیاط سے کام لے, پھر بھی کم از کم 12 صفحے وہ واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں. البدایہ والنہایہ ابو الفدا ابن کثیر کی تحریر, وہ بہت ہی سخت مزاج ہیں اور بنو میہ کے بہت بڑے وکیل ہیں, لیکن کم از کم 2-3 صفحے وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جائیں. مورخ مجبور ہو گیا کہ واقعہ کربلا کا ذکر کرے. اب جناب والا, واقعہ کربلا کا ذکر ہو جانا یہی ایک کارنامہ ہے. ایک اتنی بڑی سلطنت نے چند لوگ تھے ان کو قتل کر دیا, ان کے اوپر اپنی فوج بھیجی, انہوں نے ان کو ختم کر دیا, ان کے سارے افراد خاندان گرفتار ہو گئے. اصولاً ہمارے سامنے بہت سے اور واقعات ہیں کہ جہاں لوگ میدان میں گئے, جام شہادت نوش کیا, یا ایسے لوگ تھے. ایک فخ کا واقعہ کہلاتا ہے جس کے اندر تقریباً کربلا کی تعداد کے برابر ہی کے لوگ بالکل اسی طرح سے مارے گئے جیسے کربلا میں سب کو مارا گیا تھا. یہ بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, اولاد امام حسن سے, لیکن اس واقعے کا آپ کے ذہنوں میں نام تک بھی نہیں ہے. کربلا کو تاریخ کا موضوع بنا دینا, یہ حسین کا کارنامہ ہے.